जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी, स्वागत है आप जम्मू झन के एक और नए व्लॉग वीडियो में। और आज मैं जाता हूँ शिवधाम कोड़िया, जहाँ पे शिव महापुराण कथा होने वाला है संगवारी हो। और ये जो शिव महापुराण कथा 7 से 13 अक्टूबर तक हुई, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से हुई, वहाँ की तैयारी दिखाया पर जाता हूँ, क्या तैयारी हो चुके है। तो मोर चैनल में पहली बार आया हूँ तो संगवारी हो चैनल सब्सक्राइब कर दूँ, वीडियो लाइक कर दूँ, ताकि ये प्रकार के वीडियो में हमेशा आप मन पर लावत रहूँ। तो संगवारी हो, मैं पहुंच चुके हैं शिवधाम कोड़िया और कथा स्थल यहाँ पे, जो जहाँ पे शिव महापुराण कथा कल से शुरू होने वाले, यहाँ पे लोग बागवान की भीड़ देख सका था। कलश यात्रा में शामिल होकर माता बहनों पूरा कलश लेके आए हैं, साथ ही साथ अभी धुमार और बाजा वाजा भी देखने में मिली। तो चलो संगवारी हो, कलश यात्रा के पूरा माहौल दिखा था आप लोगों का। संगवारी हो, एक दिन पहले ही इतना सारा शिव भक्त मन यहाँ पे कथा स्थल में पहुँचे, वो ऐसे लगा था कि आज से कथा शुरू हो गया। और आप मैं बताना चाहता हूँ, जो गुरुदेव पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो आज ही आने वाला है। और कल से फिर कथा 1 से 4 मिनट तक हुई, देख सका था संगवारी, पूरा जो कथा है कोरिया गांव की पूरा शिव भक्त में भर चुके हैं। आगे बाजा बजे थे और पीछे देखो तो यहाँ पे धुमाल है, नमन धुमाल करके, और लोग बाग वाला देखा तो पूरा पीछे में आवत है। और अभी हम जाधन संगवारी हो ग्राम कोरिया के शिवधाम, जहाँ पे शंभुआ भूमि फोड़ के निकले रही से, वहाँ पे फिर वहाँ से जो कलश आता है, फिर से वापस यहीं पे कथा स्थल में आई। तो देख सकता था संगवारी हो, हजारों की संख्या में पूरा शिव भक्त पहुँचे हुए ग्राम कोरिया में, और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है पूरा शिव भक्त में, ताकि कल से यहाँ पे शिव महापुराण कथा सुने बार मिली। और आज गुरुदेव पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी आई। कई हजारों माता बहनी वाला देख सकते संगवारी हो, कैसे कलश लगोए हुए अपन सर में। और अभी जाते कोड़िया गांव की तरफ, जहाँ पे शिवधाम है। डिवाइस और हिट नाइस। जय देख सकते हो वाले, जबरदस्त माहौल है यार, पूरा भक्त जनमन नाचा झूमत जात हब है। डीजे धुमाल जो लगे हुए हैं ऊपर साथ में, अभी कोरिया तरफ जात हब है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेगा, फिर वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के पूजा अर्चना करने के बाद फिर से जो कलश यात्रा वापस आई एक कथा स्थल में।